टू लर्नर बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ साइंस की बुक का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के इंडेक्स क्वेश्चन। तो ये सारे तो हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोगों को बोला गया है कि वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो वेट है और मून पे जो वेट होगा, सपोज करिए आपका वेट अर्थ पर 60 kg है, तो अगर आप मून पे जाएंगे ना तो आपका जो वेट है वो हो जाएगा 10 kg, क्योंकि मून पर अर्थ से 1/6 वेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो किसी भी चीज़ का वेट है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की जो जी वाली वैल्यू है ना, स्मॉल जी पर डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का वेट। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज 6 times मोर देन दैट ऑफ द मून, तो मून से 6 times ज़्यादा वैल्यू है जी की अर्थ पर। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मोर देन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून, तो मास हो गया रेडियस हो गया अर्थ का मून से ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अर्थ पर 1/6 मास है, अगर हम लोग इक्वेशन से देखना चाह देखने की समझने की कोशिश करें तो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी और फिर मास और रेडियस का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल्स टू एम जी होता है, तो G की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो G M को नीचे ले जाइए, तो यहाँ पर G की जगह लिख सकते हैं आप लोग W अपॉन M, है ना। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में G की वैल्यू की जगह आपने W अपॉन M लिख दिया। अभी जो W अपॉन M यहाँ पर था, फिर आपने ये M यहाँ पर पहुँचा दिया। तो आप देखिए ज़रा, मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस जी की जगह आप लोग ये लिख सकते हैं जी, तो अगर ये जी है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी है, तो ये जी की वैल्यू आप निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन में इस जी की जगह अब हम लोग लिख देते हैं डब्ल्यू अपॉन एम, है ना, इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब इस एम को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम स्मॉल एम जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये वाला एम रेडियस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ है, और ये वाला जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून। तो ये वाला मून पे मास का ऑब्जेक्ट और ये वाला अर्थ पे। तो ये बॉडी अर्थ पर कितना वेट होगा किसी भी बॉडी का, अब मून पर कितना वेट होगा, तो जहाँ पर आपने ई ई लिखा हुआ था उसकी जगह आप एम 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 कर दीजिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब ये वाली दोनों जो इक्वेशंस हो गई हैं, एक ये वाली हो गई बॉडी का जो मास है अर्थ पर और ये वाला बॉडी का जो मास है मून पर, इन दोनों की जगह आप लोग ऐसे करके लिख देंगे। क्योंकि देखिए बॉडी ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, आप इनको ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस। तो या फिर मून वाला ऊपर लिख दीजिए और अर्थ वाला आप नीचे लिख दीजिए, मतलब ये वाली इक्वेशन टू आप माने और ये वाली इक्वेशन वन माने, तो इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन वन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एम जी ई और एम जी एम, मास से तो मास यहाँ पर कट जाएगा, है ना। तो ऊपर जो ये बचेगा सिर्फ ये हमारा ये वाला बचेगा, मास और ऑन मून और रेडियस का स्क्वायर ऑन मून इनटू रेडियस का स्क्वायर ऑन अर्थ और मून। तो फिर उसके बाद आप लोग जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एज मास ऑफ मून इज़ 1/100 times द मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस जो है मून का वो 1/4 है। तो इस तरीके से देखिए क्या है ना, ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जो है यहाँ तक लिखेंगे ना तो आपके लिए सफिशियंट है। बस आप थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए कि इक्वेशन को आप लोगों ने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि मास जो है मून पर वो 1/10 मतलब 100 times कम होता है अर्थ पे किसी भी चीज़ के मास से, और जो मून का जो रेडियस होता है वो 1/4 होता है अर्थ के रेडियस से। तो इस वाली इक्वेशन में जब हम मास और रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/100 × 4 × 4 जब हम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1/6 हमारा आंसर आ जाता है। इससे हमें समझ आता है कि जो मून पर किसी भी चीज़ का मास होता है वो अर्थ के मास से 1/6 times होता है, मतलब मून पर मास कम होगा और अर्थ पर ज़्यादा होगा किसी चीज़ का 6 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो ऐसा बैग होल्ड करना क्यों मुश्किल होगा जो जिसकी स्ट्रैप पतली पतली सी होगी। तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वी नो दैट प्रेशर
का प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. व्हेन स्ट्रिंग ऑफ द स्कूल बैग इज थिन इट्स एरिया इज स्मॉल एंड एज सच द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द शोल्डर्स और द हैंड बैग्स और द हैंड सपोर्टिंग द बैग इज लार्ज. लिप स्किप दिस केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द शोल्डर्स और द हैंड विच सपोर्ट द बैग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बैग. इन दिस केस द स्ट्रैप इज ब्रॉड एज यूजली द केस. द एरिया ऑन विच द फोर्स, अभी पहले मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ फिर सिंपल सा आंसर है समझा दूंगी. वेट ऑफ द बैग एक्ट्स इन लार्ज इन द एरिया एंड द प्रेशर इज रिड्यूस एज द वेट ऑफ द बैग इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया. तो बेसिकली क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि एरिया है, सपोज करिए कि आपका कंधा है, आपके कंधे पर एक पतली सी स्ट्रिप का बैग होगा और नीचे वेट बराबर है, ठीक है, वेट दोनों का बराबर है. कंधे पर आपकी पतली सी स्ट्रिप होगी बैग की या फिर आपके कंधे पर मोटी सी स्ट्रिप होगी, तो आपको भारी कब ज़्यादा लगेगा, आपको भारी तब ज़्यादा लगेगा जब आपके कंधे पर एकदम पतली सी स्ट्रिप होगी. सपोज कर ये भी 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, 10 किलो को आप एक पतले से धागे से या पतली सी स्ट्रिप से पकड़ेंगे तो आपके कंधे पर ज़्यादा जोर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक चौड़ी स्ट्रिप से 10 किलो के बैग को पकड़ेंगे. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. तो मतलब किसी भी चीज़ पे कितना प्रेशर लगेगा वो डिपेंड करेगा कि भाई कितनी फोर्स है और कितना एरिया है. तो अगर आप लोगों को प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया को आप ऐसा लगाएंगे कि भाई फोर्स कितनी लगेगी, तो भाई कितना प्रेशर है इनटू एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया कोई चीज़ कवर करेगी ना उतना ही कम प्रेशर या फोर्स आप लोगों को फील होगी. तो वही है कि अगर ज़्यादा एरिया सेम वेट अगर ज़्यादा एरिया आपके कंधे पे कवर कर रहा है ना तो आपको वो कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक पतली सी स्ट्रिप आप अपने कंधे पे डाल लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा भारी फील होती है. नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्योयंसी. तो ब्योयंसी क्या होती है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करेंगे, डुबोएंगे, इधर या तो पूरी तरीके से या फिर पार्शली, एक अपवर्ड फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड. तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप मग को आप पानी में डालने की कोशिश करिए तो मग ऐसा लगता है कि वो ऊपर को आने की कोशिश करने लगता है, एक अपवर्ड फोर्स वो लगाता है. दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और ब्योयंट फोर्स और फोर्स ऑफ ब्योयंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच दिस अपथ्रस्ट इज एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्योयंसी. तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पानी में नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो खुद को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा. तो ये अपथ्रस्ट वाली जो फोर्स होती है ना, मतलब ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट पानी से, आपने किसी चीज़ को दबा दिया नीचे पानी में, नीचे धक्का देने की कोशिश करी, वो ऑब्जेक्ट पानी से खुद को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, यही जो फोर्स होती है यही ब्योयंसी की फोर्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, बहता है या फिर डूबता क्यों है जब वो वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है. तो इसका आंसर है व्हेन ऑब्जेक्ट हैज डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम है तो फिर वो क्या करेगा, वो पानी पे तैर जाएगा. इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज इट ऑलवेज डिस्प्लेसेस मोर वेट ऑफ वाटर देन इट्स ओन वेट. तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट आराम से पानी पर तैर पाएगा क्योंकि वो अपने मतलब पानी के वजन से. देखिए क्या होता है ना, बिकॉज इट ऑलवेज डिस्प्लेसेज मोर वेट ऑफ वाटर देन इट्स ओन वेट. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का खुद का जितना वेट है उससे ज़्यादा पानी अगर वो हटा देता है ना तो वो पानी, वो चीज़ पानी पे तैर पाएगी, और अगर वो अपने वेट से कम पानी हटा पाती है तो वो डूब जाएगी. तो कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो अपने वेट से ज़्यादा पानी को हटा देता है, इसलिए वो चीज़ पानी पे तैर पाती है. एज ब्योयंट फोर्स इज मोर देन इट्स ओन वेट देयरफॉर इट फ्लोट्स. क्योंकि ब्योयंट फोर्स ज़्यादा है उसके खुद के वेट से, इसलिए वो फ्लोट कर पाएगा. और व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन 1 ग्राम सेंटीमीटर -3, ठीक है, देन इट सिंक. अगर उसकी डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि वो लेस अपने वेट से कम पानी डिस्प्लेस कर पाएगा. एज ब्योयंट फोर्स इज लेस देन इट्स ओन वेट देयरफॉर इट सिंक. अगर ब्योयंट फोर्स उसके खुद के वेट से कम होती है तो वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यू फाइंड. अब देखिए ये जो है ना आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं. थैंक यू.